टीका में चल रहा था नचेवमिति स्वर्णाश्रयतया इति भाट अभिप्रायण उत्तम। ये विकल्प क्यों बोला उन्होंने? स्वर्णाश्रयतया स्वर्ण कर्मतया हुआ कहे स्वर्णाश्रयतया ये भाट के अभिप्राय से, और स्वर्ण कर्मतया इति इतरा अभिप्राय अन्य जो नहीं आए कहे तार्किक उनके अभिप्राय से कर दिया। ये तो उत्तम भवति क्या कहा गया वो स्पष्ट करते हैं। न प्रमाण प्रवृत्ति मात्राद अनुभव कर्मत्वम येन अश्व प्रकाशता स्यात्। प्रमाण की प्रवृत्ति मात्र से ही अनुभव का विषय सिद्ध होता है ऐसा मत कहो। इसलिए यहां पर प्रमाण की प्रवृत्ति ना होने से आपकी अनुभूति अश्व प्रकाश हो जाएगा ऐसा नहीं कहना, क्योंकि अपितो तदाकार अंतकरण वृत्ति रेव प्रमाणेर जन्यते। तदाकार अंतकरण वृत्ति को ही प्रमाणों के उत्पन्न किया जाता है। ये चक्षुरादि जो प्रमाण है ये तत्तदाकार अंतकरण वृत्ति के में ही सहयोगी है, ये वस्तु को प्रकाशन नहीं करते हैं। चक्षु वस्तु को प्रकाशन नहीं करता है, चक्षु केवल वस्तु का संबंध मन से करा दिया नहीं है, क्योंकि इनमें भी आई आत्मा में मन संयोग हुए बिना चक्षु देव संबंध बना रहे ज्ञान तो पैदा होता नहीं। से चक्षुराय जो प्रमाण है ये केवल अंतर्ण वृत्ति को उत्पन्न करने में सहयोगी होता है केवल, और वृत्ति के अगर वस्तु का कैसे प्रकाशन होगा एक अलग बात है, ये तो सहकारी कारण है। न च वृत्ति विषयता मात्रा अश्व प्रकाशता, और ये भी तुम नहीं कह सकते हो ठीक है वृत्ति विषयता हो जाएगी तुम्हारा चैतन्य अंतर वृत्ति अवचिन चैतन्य हो जाएगा, तो वृत्ति विषयता मात्र से भी स्वप्रकाशता नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ वो तो कहना है कि फल व्याप्यता के बिना वृत्ति विषयता आने पर भी मानसिक वृत्ति बन गया, लेकिन वो मानसिक वृत्ति को लेकर यदि आत्म संबंध नहीं होकर ज्ञान पैदा नहीं होता तो विषय का प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसे फल व्याप्ति के बिना किसी चीज का हम साक्षात्कार मानते नहीं, इसलिए आत्मा में आकर वृत्ति व्याप्ति भले ही है लेकिन फल व्याप्ति नहीं है तो आत्म साक्षात्कार होगा ही नहीं, ऐसा नहीं कहना। और स्वप्रकाश तो मैंने स्वप्रकाश होगा तो आत्म साक्षात्कार होगा, स्वप्रकाश नहीं है तो नहीं होगा। न च वृत्ति विषय मात्र स्वप्रकाशता स्यात्, क्यों? प्रकाश प्रकाश्यत्व अभावात् सर्व प्रकाश अभिव्यंजक मात्रत्वाद् वृत्ते है, क्योंकि प्रकाश प्रकाशत्व भावात् कहते स्वरूप प्रकाश अभिव्यंजक मात्रत्वाद् वृत्ते है। प्रकाशेन प्रकाशम ऐसा नहीं, मैंने प्रकाशक को भी प्रकाश्य रूपेण ग्रहण करने का सामर्थ्य वृत्ति में नहीं है। जैसे घट को प्रकाशत्व ग्रहण करने का सामर्थ्य वृत्ति में है, वैसे प्रकाश को प्रकाश्य रूपेण मैंने वेद्य रूपेण विषय रूपेण ग्रहण करने का सामर्थ्य वृत्ति में नहीं है, यह यहां कहना चाहिए। इसलिए प्रकाश प्रकाश्य तो अभावात स्वरूप प्रकाश अभिव्यंजक मात्रत्वात्, और कर्ता क्या किंतु वृत्ति स्वरूप प्रकाश का अभिव्यंजक मात्र ही है। मैंने प्रकाश है बिजली प्रकाश रूप है, लेकिन अभिव्यक्त कैसे हो रहा है? हमें तो बिजली तो प्रकाश रूप दिख नहीं रहा है तार में, लेकिन बिजली की प्रकाश रूपता को कौन अभिव्यक्त कर रहा है? उसका अभिव्यंजक कौन है? ये जो बल्ब है, यदि बल्ब रूप उपाधि ना हो बिजली की प्रकाशता अभिव्यक्त नहीं होता, इसलिए वो अभिव्यंजक मात्र है प्रकाशक नहीं, प्रकाश को प्रकाशित थोड़ा करेगा। इसलिए कहते हैं वह स्वप्रस्वरूप होता जो प्रकाश है उसका अभिव्यंजक मात्रत्वाद वृत्ति है, उसका अभिव्यंजक मात्र होता है वृत्ति। तेना ना वेद्युत प्रसक्तिर ना भी अप्रमाणिकमिति, निष्कर्ष निकला इसलिए वहां वेद्यत्व का प्रसक्ति भी नहीं, वृत्ति वेद्यता आ जाएगा वृत्ति व्याप्ति होने से, ऐसी शंका नहीं करना। वृत्ति वेद्यत्व भी नहीं आएगा और अप्रमाणिकता दोष भी नहीं रहेगा, कि फल व्याप्ति जिसका हो वही प्रामाणिकता है ये भी हमने खंडन कर दिया। यदि आप कहोगे यत्र फल व्याप्ति तरह प्रामाणिकत्व ये नहीं माना सकता, अन्वय तो भले ही हो कार्यकारण भाव में लेकिन व्यतिरिक नहीं हो सकता है ना, यत्र प्रामाणिकत्व भाव तत्र फल व्याप्यत्व भाव, ऐसा नहीं है, व्यतिरिक विचार है। इसलिए फल व्याप्यत्व और प्रामाणिकत्व में कार्यकारण भाव तुम नहीं मना सकते बोलकर हम पूर्व में खंडन कर चुके हैं। अतएव
प्राप्रामणिकता भी नैरासो प्रकाशमे ननु वृत्तिव्याप्यत्व मात्रात् न प्रामाणिकत्वम् अपितु स्मरण व्याप्यतया कहीं वृत्ति व्याप्यत्व मात्र से भी कहीं प्रामाणिकत्व नहीं आता अपितु स्मरण व्याप्यतया न प्रकाश के द्वारा चैतन्य के द्वारा व्याप्य हो जाए, चैतन्य व्याप्त कर ले उसको, तभी उसमें प्रामाणिकता आएगा। अर्थात जब तक चैतन्य से प्रकाशित नहीं होगा तब तक किसी भी चीज में प्रमाण नहीं मानते। आप जैसे ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होना जरूरी मानते, ज्ञान वेद्य होना चाहिए, हमारे वेद्यत्व नहीं कहेंगे, ज्ञान प्रकाशित पाना चाहिए। एक बार यदि आप चैतन्य के द्वारा प्रकाशित पड़ गया उस पर किसी भी चीज पे, वो प्रामाणिक हो गया, मैंने प्रमाण से गृहित माना जाएगा, क्योंकि चैतन्य का प्रकाश उसी पर जाएगा ना, पड़ेगा जिसके साथ वृत्ति संबंध होगा। फिर चैतन्य जाता कैसे, व्यापक तो है, सब में है भी, सब पर है भी, फिर भी जब तक विशिष्ट रूपेण अंतकरणावचिन चैतन्य हो करके वृत्तिवचिन चैतन्य होगा, जो दिखाया वेदांत परिभाषा करने, इसीलिए टंकी का पानी निकलता है नाली से आया और खेती जिस आकार को साकार को प्राप्त करता है। पहले जो व्यापक जल था सूक्ष्म रूपेण, उसको आपने एक टैंकर भी उपाधि में बांध दिया है, फिर वहां से निकला हो, इधर से यहां व्यापक चैतन्य को आपने अंतरण उपाधि में पहले मानव प्रतिबिंब पड़ा उसका, फिर वहां से निकला वृत्ति, वो वृत्ति इन इंद्रियों के द्वारा बाहर गया विषय तक, तब हम कहते हैं कि चैतन्य भी बाहर गया और विषय पर पड़ गया, विषय को प्रकाशित किया। एक औपाधिक व्यवहार स्तर का होता है, इसको कह रहे स्पूर्ण व्याप्यता। यही वस्तु की प्रामाणिकता में कारण बनता है, वृत्ति व्याप्यता से कारण नहीं। जैसे आप भी कहते जब तक आत्मा में ज्ञान पैदा नहीं होता उस विषय का, भले चक्षु इंद्र संकर्ष बना रहे, इन उस वस्तु को हम प्रामाणिक नहीं मानते, क्यों उस वस्तु का ज्ञान हुआ ही नहीं आत्मा। ऐसा हजारों चीजें जिससे चक्षु का संग, जब आप ट्रेन में बैठे रहते हैं, बसें बैठे रहते हैं, गाड़ी जा रही है, आंख का चक्षु का संग होते रहता है बहुत सारे चीजों के साथ, लेकिन किसी भी हर एक चीज को आत्मा में उसे ज्ञान होते नहीं रहेगा। एक देखा करके एक काज जिसके प्रति विशेष ध्यान चला जाता है तो विशेष तौर पर, नहीं तो कितना देखते रहते हैं बैठे हुए बस में ट्रेन में। जैसे चक्षु संयोग मात्र से वस्तु में प्रामाण्यता नहीं आ सकता, जैन चक्षु संयोग द्वारा मन संयोग हो, मन का आत्म संयोग हो और मन आत्मा में ज्ञान पैदा हो, तब आपके मत में भी वह वस्तु प्रामाणिक माना जाता है। उसी पर हम कहते हैं जब तक यह साक्षी चेतन की तरफ भाषित नहीं होता तब तक वह वस्तु में प्रामाण्यता नहीं है, भले वृत्ति संबंध हो जाए होते रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही करे वृत्ति व्याप्यत्व मात्र न प्रामाणिकत्वम अपितु स्वर्ण व्याप्यतया घटादो तथा दर्शनादित्यता, घटाद वैसे देखने को मिलता है, इसलिए आपको यह बात मानना होगा। आप देखिए मूल में उक्त वृत्ति व्याप्यत्व स्वर्ण व्याप्यत्व भाव अपराधेन न अप्रामाणिकता अपि, उक्त जो वृत्ति व्याप्यत्व का होने पर स्वर्ण व्याप्यत्व भाव अपराधेन, स्वप्रकाशात्मा के लिए कर अनुभूति में वृत्ति व्याप्यता तो है लेकिन फल व्याप्यता, स्वर्ण व्याप्ति नहीं, साक्षी भाषाता नाम का चीज जो स्वर्ण व्याप्ति है, फल व्याप्ति जिसको शब्द से कई बार कह चुके हैं, वह न होने मात्र से अनुभूति अप्रामाणिक होगी ऐसा नहीं, न अप्रामाणिकता भी। क्यों? क्योंकि पहले ही कह चुके हैं वृत्ति व्याप्यता फल व्याप्यताओं का परस्पर कार्यकारण भाव नहीं है। क्यों? केवल व्यतिरेका भावात्, व्यतिरेक का व्यभिचार हो जाने से, कार्यकारण भाव में दोनों का होना जरूरी है, अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों होना चाहिए कार्यकारण भाव में। चतुर्थ धूम धूम और वन्नी का बीच में कार्यकारण इसलिए मानते हैं उसका अन्वय व्यभिचार दोनों दिख रहा है आपको, दृष्टान्त है, यत्र धूम तत्र वन्य यथा मानसम, यत्र वन्य भाव तत्र धूमा भाव यथा हृदय, आप दोनों दे रहे हैं वैसे आप यहां दीजिए ना। यदि इनमें भी कार्यकारण भाव मानते हो फिर यहां भी तो होना चाहिए, ये नहीं होता। कुतः? केवल व्यतिरेकात्। कहां व्यतिरेक हो रहा है जी, व्यभिचार कहां हो व्यतिरेक का?
एक का भाव है दूसरा भाव आना चाहिए ना। व्यतिरेक व्यभिचार का मतलब क्या? दोनों का भाव, जैसे वन्नी का भाव है फिर वहां धूम रह जाए तो व्यतिरेक व्यभिचार कहा जाता है। यहां कहां व्यभिचार हो रहा है व्यतिरेक का? तब कहते सुनिए, अतीत अनागत स्पुरण विरहेण विरहिणोर उक्त वृत्ति व्याप्य और भाट ही प्रामणिक मात। कुमार भट्ट का दृष्टिकोण में देखिए, अतीत और अनागत घटादि वस्तु है, उनमें क्या है? स्वर्ण ने ज्ञातता नहीं हो सकती ना, कि वर्तमान काल विषय तय कर हम ज्ञातता उनके मत में जायमान वस्तु विषय तुम ज्ञातत्व उनके मत में, जो वर्तमान कालीन होना चाहिए सामने संबंध हो उसी में ज्ञातता होता है, और अतीत और अनागत वस्तुओं में ज्ञातता नहीं है। लेकिन उस वस्तु को प्रामाणिक मान रहे हैं, अतीत वस्तु का स्मृति हो रही है या बाह्य वस्तु की आपने कल्पना किया है, तो एक कल्पित श्रुत वस्तुओं में भी वो प्रामाणिकता मानते हैं। हम लोग भी मानते नहीं है, सभी मानते यथार्थ स्मृति, यथार्थ स्मृति भी होती है, यथार्थ स्मृति भी होती है। ये पूरा आपका जो अनुभव था उसकी समय आपने स्मरण किया, स्मृति का विषय प्रामाणिक आपके लिए, क्योंकि पूरा अनुभव प्रामाणिक है, उसका यथावत स्मृति हो गई तो यथार्थ स्मृति माना जाएगा, प्रामाणिकता रहेगी। भले वस्तु इस समय में नहीं है, अरे वस्तु ना होने से इस समय फल व्याप्ति तो हो नहीं सकती, स्मृत्यागर वृत्ति व्याप्ति मात्र है वहां पर, फिर भी प्रामाणिकता है ना उसमें। इसे आपका कहने के अनुसार जहां जहां वृत्ति व्याप्ति नहीं है वहां फल व्याप्ति नहीं होनी चाहिए, या जहां फल व्याप्ति नहीं हो वृत्ति व्याप्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां देखो फल व्याप्ति है ही नहीं अतीत और अनागत वस्तु में, किंतु वृत्ति व्याप्ति है। इसे कहते हमारे मत में नहीं बल्कि कुमार भट्ट के मत में भी ऐसा स्वीकार किया गया है। प्रामाणिकत्व का मत दूसरा तार्किकों को देकर नहीं आए, आदि उनके यहां भी यही हाल है। चेष्टादिलिंग अनुमान विशेष्यापि परिज्ञान से स्वाश्रय स्विषय अप्रोक्ष व्यवहार जनने ज्ञानांतर निरपेक्षतया स्वप्रकाश उत्पत्तेश्च। चेष्टादिलिंग अनुमान विषय को लेकर के विशेष्य परिज्ञानस्य, क्योंकि आपके अंदर क्या ज्ञान है हमें कैसा पता चलेगा? आदमी को देखने से मालूम नहीं होता इसके अंदर क्या क्या ज्ञान भरा पड़ा, क्या पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा है, क्या है क्या नहीं है, पता चलेगा क्या? अरे ऐसे एक जगह से हम ट्रेन में आ रहे थे बनारस को, उनका रसर जा रहे थे, पंडे कुछ बैठे थे बनारस, पंडे कहीं गए थे शायद यात्रा में, लौट रहे थे, तो वो भी उसी डिब्बे में थे। और महात्मा का तो वही समझते हो, महात्मा को तो पढ़ा लिखा तो समझते ही नहीं, ऐसे होगा वो आपस में उल्टा सीधा बोल रहे थे और अंग्रेजी भी बोल रहे थे, जब टूटी फूटी अंग्रेजी। हमने देखा कि चलो बोलने दो इन लोगों को, रात बीता सो गए हम लोग, फिर सवेरे होते ही हमने अंग्रेजी अखबार लिया और पढ़ने लगा, एकदम घबरा गए वो लोग, इधर पापा तो बहुत बड़ा लिखा रखता अंग्रेजी अखबार ले लिया, वो सब हिंदी अखबार खरीदे, फिर राशन माफी मांगे, फिर चाय पानी सेवा करते रहे। अरे लोग देखने से थोड़ा पता क्या आदमी पढ़ा लिखा है क्या नहीं है, चेहरे से थोड़ा इतना पता लगता है, सभी का सामर्थ्य ही नहीं। तो परिकीय ज्ञान काम क्या करते हैं, उसके चेष्टा से अनुमान करते हैं। देखा भाई ये अंग्रेजी अखबार पढ़ रहा है, मैंने पढ़ा लिखा अनुमान ही तो किया उन्होंने, और पहले अनुमान किया कि चेहरा देख कुछ जानता ही नहीं तो ऐसे ही होगा। सिर्फ परिके ज्ञान चेष्टादि लिंग का अनुमान सिद्ध हुआ का विषय है, चेष्टादि अनुमान विषयस्य परिके ज्ञानस्य स्व आश्रय स्व विषय अप्रोक्ष व्यवहार जनने, वह उसके अपने आश्रय में मन उसके अपनी आत्मा में स्व विषय अप्रोक्ष व्यवहार, उस ज्ञान का अपने विषय का अप्रोक्ष व्यवहार कर उत्पत्ति करने में किसी और ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती। ज्ञानांतर निरपेक्षता ज्ञानांतर निरपेक्षतया स्वप्रकाश उत्पत्तिश्च, उसको स्वप्रकाश बनना पड़ेगा, वहां भी क्या फल व्याप्ति तो है नहीं ना, पर कि ज्ञान के साथ साक्षात संबंध होगा हुआ ही नहीं कुछ भी, अनुमान से केवल निर्णय ले रहे हैं, और अनुमान रूप वृत्ति व्याप्ति है नहीं, उस विषय ज्ञान को उस ज्ञान का साक्षात्कार हो नहीं सकता, वो तो उसकी आत्मा में होगी ना, हमारी आत्मा में तो थोड़े होगा उसका साक्षात्कार, हमारा आत्मा में हमारे मन संयोग से अपना ज्ञान का साक्षात्कार होगा, दूसरे का ज्ञान का दूसरे की उसकी आत्मा में ही होगा, हमारे आत्मा में तो आकर के ज्ञान होना ही नहीं उसका प्रकाशन। अतएव
उनके मत में भी जो उनके मत वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति दो चीज नहीं है, नहीं आए कादियों में व्यवसाय अनुव्यवसाय नाम से भले ही वो कह ले उसको, उसी शब्दावल से हम उसका खंडन कर रहे थे। आपको भी ऐसा मानना पड़ता है वहां पर इंद्रियों का व्यवहार हो गया लिंगादि चेष्टादिलिंग को लेकर के, लेकिन वहां आत्मा में स्व आत्मा में अनुमान करने वाले की आत्मा में परिये परके ज्ञान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। किंतु जहां पर के ज्ञान है उसके अपने आश्रय में उसके अपने ज्ञान का विषय का अपरोक्ष व्यवहार के प्रति कारण बनता ही है वह ज्ञान। अतएव उसके आत्मा में उत्पन्न उसके ज्ञान का स्वप्रकाश आपको मानना पड़ेगा, जैसे आपके अपने आत्मा में उत्पन्न अपना ज्ञान आपके लिए स्वप्रकाश होता है, अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। जैसे हमारा ज्ञान का विषय के साक्षात्कार होकर के अप्रोक्षानुभूति होने के लिए दूसरे के ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, और दूसरे के ज्ञान को जो है उसके ज्ञान के विषय में अप्रोक्ष वार्ता करने के लिए हमारे ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। अतएव जिसके अंदर जो जो ज्ञान पैदा हो रहा है तब तक ज्ञानों को आपको स्वप्रकाश मानना ही पड़ेगा, नहीं एकों को। इसीलिए कहते हैं यहां पर आप वृत्ति व्याप्ति होने मात्र से फल व्याप्यता नहीं है तो वह अप्रमाणिकता आएगी, यह दोष आप नहीं दे सकते। अब ठीक है मुझे कुतः केवल व्यतिरेक भाव नहीं संबद्ध व्यतिरेक और अन्वय मात्रा हेतु भाव निश्चय कहीं व्यतिरेक की संभावना की परिकल्पना करके आप अन्वय मात्र से ही हेतु भाव की कल्पना करना चाहो यह नहीं हो सकता, नहीं हेतु भाव निश्चय संभवती। क्यों? अति प्रसंगात कर दिया, अति प्रसंगात कहा अति प्रसंग होगा पंचम अनित्या सिद्ध में, पंचम अनित्या सिद्ध भी यत्किंचित घट के प्रति उपस्थित होकर के कारण बन सकता है ना। जिस गधे पे मिट्टी ढो के लाया गया था गधे को ही बांध के रखा है और घड़ा देख रहा है मेरे पीठ पर लदा हुआ मिट्टी से घड़ा बना रहा है, उसके अंदर भी अभिमान होगा, देखो मैंने कितने बड़ा उपकार किया, उसके अंदर उपकार भावना आएगी उस घट के प्रति, कुलाल में कर्तृत्व भावना जैसा है उसे उपकार भावना रहेगी। अतः यथा कुलाल कर्तृत्व में कारण बना रासव के प्रति, उस घट के प्रति और घट के प्रति इसे उस रासव को भी आपको मानना पड़ेगा उपकार उस घट के प्रति कारण, और इसके अंदर नियम नहीं बना सकते। इस संसार में जो भी घड़ा बनता है उस घड़े के प्रति रासव कारण है, ऐसे कार्य का अनुभव करोगे क्या? कहीं एक जगह दिखाई देने मात्र से सर्वत्र आप जैसे नहीं कर सकते हो। तद्वत यहां पर भी समझना चाहिए किंचित संभावित व्यतिरेक को लेकर के केवल अन्वय मात्र के आधार पर आप कार्य कारण भाव नहीं बना सकते। माभूत तुरग खर वर्ण योर हेतु हेतु मत भाव, तुरग खर वर्ण यो हो, तुरग मैंने घोड़ा खरा ने गधा, इन दोनों के रंग में जैसे परस्पर कार्य कारण भाव नहीं, ये दोनों के चमड़े लगभग एक जैसा रंग के हैं, एक ही रंग वाले मान लो हैं, तो इतने मात्र से ये नहीं कि उनके रंगों का परस्पर कार्य कारण भाव माना जा सकता है क्या? जैसा नहीं होता उसी प्रकार से संभवती अन्वयति भाव हो, यदि वहां पर भी कार्य का अनुभव बन सकता अन्वय व्यतिरिक नहीं मिलेगा। यत्र यत्र ऐसा करके अन्वय कार्य का अनुभव भले एक जगह दिखा सकते हो, एक दो घोड़े एक घोड़ा गधे को खड़ा कर दो दोनों समान रंग वाले को और वहां भले घटा दो, उतने मात्र से अन्यत्र सर्वत्र घोड़ों में अन्य सर्वत्र गधों में आप घटा नहीं सकते उसको। एक जगह अन्वय प्राप्त होने मात्र से उसको सार्वत्रिक अन्वय भी नहीं मान सकते, क्यों? सर्वत्र व्यतिरिक नहीं मिल रहा। तत्व यहां पर भी कह रहे हैं आप एक जगह अन्वय देख लिया कहा घट में, वहां वृत्ति व्याप्ति भी है फल व्याप्ति, इसलिए प्रामाणिकता उतने मात्र स्वप्रकाश आत्मा में वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति नहीं है, अप्रामाणिकता आप नहीं कह सकते, उसके कार्य का अनुभव स्वीकार करके नहीं बोल सकते। किंच तौतातिक स्थावत एवं वक्तुम अयुक्तम, इतना ही नहीं तौतातिक ही, तौतातिक कौन है? कुमारल भट्ट, कुमारल भट्ट का एक नाम है तुताता, तुताता उनका नाम था, से तुतात की अनुयायी तौतातिक माने भाट्ट मान सक लो, कुमारल भट्ट के अनुयायी लोग
वे लोग जो है कौमार लही तावद एवं वक्तुम न युक्तम अयुक्तम, क्यों? प्राकट्य अनाधार अतीत नागत यो ज्ञान मात्र विषय प्रामाणिक अंगीकारादित्या अतीते थी, कि प्राकट्य का अनाधार है, वो आधार नहीं है, कौन? अतीत और अनागत वस्तु, फिर भी आप उनमें ज्ञान मात्र विषयता को लेकर के प्रामाणिकत्व को स्वीकार करते हो। तार्किक अनांच, इस तार्किक भी हमें दोष नहीं दे सकते, क्यों? वृत्ति फल विभाग एवं नास्ति, एक तो उनके मत में वास्तविक वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति नाम का विभाग ही नहीं है, सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बात, न परमयोग अवकाश, इसे वह हम पर परमयोग का अवकाश उनके नहीं है। तदेव वृत्ति विषयत्व मात्रेणा प्रामाणिकत्व अस्तित्व, इस प्रकार से वृत्ति विषयत्व मात्र को लेप करके प्रामाणिकत्व है, यह बात हमने सिद्ध कर दिया। इदानीं वृत्ति विषयत्व स्वप्रकाशत्व क्षतिर नास्ति इत्युपपादयति, और फिर वे जो कहे वृत्ति का विषय होने का मतलब अनित्य हो जाएगा, जैसे घटादी है वृत्ति का विषय है, या अतीत अनागत वस्तु भी है वृत्ति का विषय है, वो सब अनित्य होते हैं, इसे तुम्हारा स्वप्रकाश आत्मा भी अनित्य हो जाएगा, स्वप्रकाशत्व में ही दोष आ गया। तंगत ऐसा मत कहो, इदानी वृत्ति विषयत्व स्वप्रकाशत्व क्षतिर नास्त इति उपाधि चेष्टादि थी स्वाश्रय स्वाधारे अपराधार आत्मा में नहीं प्रमाण अवेद्यत्व स्वप्रकाशत्व, क्योंकि हमारे यहाँ लक्षण स्वप्रकाशत्व ये नहीं है जो तुम सोच रहे हो, प्रमाण की तरह वेद्य है वह अस्वप्रकाश हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, और प्रमाण की तरह अवेद्य के नाम स्वप्रकाश है ऐसा तुम नहीं कह सकते, क्यों? किंतु कैसा है हमारे मत में, कहते हैं कि भाई स्व विषय अपरोक्ष व्यवहार जननी प्रकाशांत निरपेक्षत्व, स्व विषय अपरोक्ष व्यवहार, वृत्ति का अपना विषय जो चैतन्य वृत्ति ने चैतन्य को व्याप्त किया है, तो मैंने चैतन्य का आभास वृत्ति में पढ़ना और अन्यों का वहां विशेषण न रहना, अन्य कोई उपाधि का न होना, उसको हम कहते वृत्ति के द्वारा चैतन्य को व्याप्त करना, हमेशा चैतन्य जब वृत्ति पर प्रतिबिंबित हो जाता है तो वह वृत्ति में हमेशा कोई न कोई विषय जागृत स्वप्न सुषुप्ति का एक न एक चीज वहां लगा रहता है उपाधि, और चैतन्य वृत्ति का उस विषय को प्रकाशन करने लगता है, इसलिए 24 घंटा आपके एक न यही वृत्ति बनती है, मैं सोया था, मैं जगा था, मैं स्वप्न देख रहा था, कुछ न कुछ लगा रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं खा रहा था, मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था, 24 घंटा लगा है, देख लो कभी नहीं होता मैं केवल चैतन्य हूं, भले शब्दों से हम बोल रहे लेकिन वृत्ति में केवल चैतन्य का आभास हो और वृत्ति में कोई दूसरी उपाधि चिपका हुआ ना हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति कोई भी विषय वहां ना लगा रहे, केवल वृत्ति है, यह विशेषणों से विशिष्ट नहीं है वृत्ति, मतलब मैं जगा हूं ये भी नहीं होना चाहिए ना। अब समस्या यह है, आप लोग ध्यान करते हैं, आपके अंदर यह रहता है मैं जगा हूं, मैं ध्यान में बैठा हूं, तो फिर हो गया कल्याण, उसका ध्यान कभी हो ही नहीं सकता आत्मानुभूति उसको, क्योंकि आपने अपने आप को जागृत अवस्था से विशिष्ट कर दिए, फिर निर्विशिष्ट अनुभूति कैसे होगी आपको? इसे समाधि में क्या कहा जाता, ये जागृत स्वप्न की अवस्थाओं का अभिमान नहीं रहता है, इतना अपने सूक्ष्म होते जाते हैं, बुद्धि मन को स्वच्छ किया जाता है, आप इससे बिल्कुल अलग हैं। इसे कहते ना कई 100 साल समाधि, 10 साल समाधि, कितने महीनों कई दिनों तक भी बैठना पड़ता है, आज की कलयुग में तो कई दिन बैठा हो तो होगा स्थिति, अत्यंत अस्पृश्य इससे संबद्ध ही नहीं, केवल आपका अंतकरण है और अंतकरण की वृत्ति, और उस अंतकरण की वृत्ति से साथ ये शरीर आदि का न जुड़ने के कारण से मन बुद्धि अन्य अहंकार इंद्रियां वगैरह नहीं जुड़े, तो इंद्रियां और इंद्रिय विषय जुड़ने पर ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति घुस जाता है, इनकी व्यक्त अवस्था हम क्या, अव्यक्त अवस्था, व्यक्त अवस्था क्या है, जागृत है, अव्यक्त अवस्था स्वप्न और सुषुप्ति है, इंद्रिय व्यक्त नहीं है वहां, इन मन है वहां बैठा व्यक्त, शुद्ध मन भी व्यक्त नहीं है, अव्यक्त इन सब इंद्रिय अव्यक्तों को बैठे हुए हैं,
ये ना विद्या है, ये कोई ना रह करके विशिष्ट जितने भी हैं, यदि आपका अंतकरण है, वृत्ति है, वृत्ति में चेतन का आभास बैठा है और कुछ भी नहीं है, तब कहा जाता है वृत्ति ने चेतन को व्याप्त कर लिया, व्यवहार होता है। उस समय में आपको चेतन के लिए कुछ नहीं दिखता, वहां चैतन्य को, वृत्ति को, उसको आत्मसाक्षात बताते हैं। उस स्थिति के लिए अभ्यास करना पड़ता है बैठ करके, किसी का नाम निध्यासन का अभ्यास। उसे पहले नीति नीति से काटना पड़ेगा सारा, नीति नीति से जब तक इसको नहीं काटेंगे जागृत स्वप्न सुषुप्ति के अभिमान को, तब तक लगे रहेंगे, छोड़ेंगे है नहीं। से पहले योग निद्रा काल में हम लोग नीति नीति का अभ्यास कराते और ध्यान में इसको और तीव्र कर देना चिदाकाश धारणा काल में ही, तब वास्तविक ध्यान शुरू होता है। जब वास्तविक ध्यान शुरू होता है तो फिर समझ लो कि आप इनसे अलग हो गए, आपको पता ही नहीं रहता है कहाँ है ये, कहाँ है आप, मैं अमुक जगह बैठा हूं, अमुक शरीर में बैठा हूं, ये भाव ही नहीं रहता। इसे क्या ध्यानस्थ आदमी को तुरंत जगाना नहीं बोला गया, इसलिए लेटे बेटे ध्यान में पड़ा है, बल्कि सोए को भी नहीं जगाना बोल दिया, झटी थी तो खतरा है। इसे क्या कर दिया, ध्यान में बैठा है तो पहले ओम ओम बाहर से बोलेंगे, हल्का सा आवाज करेंगे, ताकि इन आवाज के कारण से उसके प्रारकर्मानुसार है ना उसकी वृत्ति बनती है बहिर्मुख, तो सुनेगा जगेगा, नहीं तो नहीं उठेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं यहां पर वो जो स्वाधर नहीं प्रमाण व्यक्तित्व सब प्रकार, किंतु क्या हमारे यहां स्वविषय अप्रोक्ष वार जननी, सविषय खबर वर्ग की उत्पत्ति में प्रकाशांतर की अपेक्षा न होना, ये सब प्रकाश था। जो वृत्ति वृत्ति ब्रह्म को व्याप्त थोड़ा कर सकती है, लेकिन व्यवहार ऐसे कर दिया जाता है, बोलने के लिए शब्द समझाने के लिए, जैसे वृत्ति ने घट को व्याप्त कर लिया था, वैसे वृत्ति ने ब्रह्म को व्याप्त कर लिया, ये कह दिया जाता है। इसलिए उस समय वृत्ति जो अंतकण की निकल रही है, उस वृत्ति में कोई भी उपाधि नहीं है, विशिष्ट आकार नहीं है, केवल ब्रह्माकार है। इसका मतलब मन उस वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब के सिवा दूसरा है नहीं कुछ भी, इसलिए उसको ब्रह्माकार वृत्ति हो गई कह दिया जाता है, और वृत्ति व्याप्ति हो गई ब्रह्म में, ये सब व्यवहार इसलिए हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई स्व विषय अप्रोक्ष व्यवहार जननी प्रकाशांतर की निरपेक्षत्वम, इसी का नाम स्व प्रकाशत्व हमारे मत में है। तच्च स्व प्रकाशत्व साधक प्रमाण गम्यत्वपि न विरुध्यते, और स्व प्रकाश को साधक जो प्रमाण माने वृत्ति, उसके द्वारा गम्य होने के बावजूद भी वहां न विरुद्धते के प्रमाणांतर निरपेक्षत्व यैव, कि तब भी वह वृत्ति को किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। प्रमाणांतर निरपेक्षत्व यैव स्वाश्रय स्व विषय अप्रोक्ष व्यवहार जनकत्वात्, अपने आश्रय भूता उस ब्रह्म में आत्मा में ही अपना विषय जो ब्रह्माकारता थी उसके अप्रोक्ष व्यवहार करने में किसी अन्य प्रकाश की उसको अपेक्षा न होने के कारण से इत्यर्थ एवं व्यतिरेकी अनुमान स्वप्रकाशत्व समर्थित। इस प्रकार से जो शुरू में हमने व्यतिरेकी अनुमान दिया, अनुभूति स्वप्रकाशा अनुभूतित्वात् यन्यम तन्नयम यथा घटः, वह व्यतिरेक अनुमान में जितने पूर्व पक्ष दोष दे सका वह सबको हमने खंडन करके दूर कर दिया है, अतः उससे हमारा स्वप्रकाशत्व सिद्ध हो गया। फिर भी कोई कह सकता क्या महाराज आपके यहाँ कोई अनवय व्यतिरेक अनुमान नहीं हो सकता है क्या ब्रह्म के लिए स्वप्रकाशता का? कहते ऐसे चाहने वाले के लिए अनवय व्यतिरेक अनुमान भी बना देंगे, वही आगे कर देगी अगले के अवतरण का दे रहे हैं। ये तो वक्र नहीं है वर्तमानुसारिणा, लेकिन जिन लोगों को वक्र रीति से जानने की आदत बनी हुई है, टेढ़े मेढ़े दिमाग से पकड़ना चाह रहे, सीधे साधे बोलो तो नहीं पकड़ते हो। वक्र नय वर्तमना, वर्तमान मार्ग के अनुसारी है वो, ऐसे लोगों के लिए तान प्रति अभिनव रीति सुरभिम अन्वय व्यतिरेकी प्रयोगम आह,
उनके लिए एक नई शैली से, अभिनव रीति, नई शैली। ऐसा नहीं कि कोई परेशान करने सुरभिम कह दिया, कहते अभिनव रीति सुरभिम अन्वय व्यतिरेकी प्रयोजन महा। कहते कि मैं प्रयोग महा, वह हमारा नया तरीका जो हम अपना रहे हैं वह भी आपको आनंदित करने वाला ही है। मैंने ऐसे वक्र बुद्धि से चलने वालों को आनंदित करने वाला है। तुम टेढ़े से समझ रहे, टेढ़े से ही समझ लो, अन्वय भी संभव है हमारे यहाँ, लेकिन सीधे सीधे नहीं होगा। यत्रित्र अनुभूत्यंतर स्व प्रकाशत व्यथा, कहाँ से लाऊंगे एक मत ब्रह्म में, वो तो ब्रह्म और पक्ष अनुभूति, दूसरा दृष्टान्त तो मिलेगी नहीं। उस अनुमान को लेकर के मैं नहीं दे सकता अन्वय व्याप्ति का दृष्टांत, हम नहीं दे पाएंगे वहां उस अनुमान, वो तो केवल व्यतिरिक ही रहेगा। हम ऐसे दूसरा बनाएंगे जिससे अन्वय दृष्टांत बन जाएगा, व्यतिरिक दृष्टांत भी बन जाएगा, और नया तरीका भी आनंद प्रदान कर देगा बुद्धिमान लोगों को। किंच इतने से आरंभ करते हैं, हनुमान बड़ा विचित्र है, देखिए किंच तज्ञानम पक्ष, तुम्हारा ज्ञान जो आप में ज्ञान है, आपके ज्ञान को पक्ष बना दिया जाता है और अपना ज्ञान को दृष्टांत बनाएंगे। दो ज्ञान कर लिया, एक आपका ज्ञान एक मेरा ज्ञान। वही कह रहे कि देखिए तद ज्ञानम, कैसा है आपका ज्ञान, तव अप्रोक्ष वार योग्य त्वसति वेद्यम न भवती, आपके अप्रोक्ष वार योग्य होते हुए भी आपके द्वारा वेद्य नहीं है, वो आपकी वेद्यों को प्रकाशित कर रहा है ज्ञान, आपका ज्ञान। यानी आपका ज्ञान किसी अन्य से वेद्य नहीं हो रहा है ना, इसे आपका ज्ञान कैसा है, आपके द्वारा होने वाले समस्त परोक्ष मार्ग योग्य होते हुए वह वेद्य नहीं है, ज्ञान स्वयं वेद्य नहीं, क्योंकि इसे वो तो भले व्यवसायिक ज्ञान के लिए वेद्य माना और उस पर अनुव्यवसायिक ज्ञान माना, उसको वेद्य मानेंगे तो अनवस्था हो जाएगी, इसलिए अनुव्यवसायिक ज्ञान को आपको अंत में वेद्य नहीं है मानना ही पड़ा। इसे चतुर्थ ज्ञान से अनुव्यवसाय ले लो शुरू में समझने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अनुव्यवसाय ज्ञान भी क्या है, उसका जो विषय कौन है, व्यवसाय ज्ञान, उसकी अप्रोक्ष व्यवहार योग्य है वो, नहीं तो उसे अप्रोक्ष व्यवहार कैसे होगा, व्यवसाय ज्ञान में अप्रोक्षता कैसे हुआ, क्यों हमें उसका अनुव्यवसाय ज्ञान होगा। अनुव्यवसाय ज्ञान से ही निश्चय होता है वह व्यवसाय ज्ञान अप्रोक्ष व्यवहार योग्य है, उसका अप्रोक्ष व्यवहार होता है। और इसी पर घट में अप्रोक्ष व्यवहार की योग्यता कहां से आया, व्यवसाय ज्ञान के कारण से। अतः ज्ञान हमेशा वो चीज है जो दूसरे में अप्रोक्ष व्यवहार के कारण कारणीभूत वस्तु बन जाते हैं। तब अप्रोक्ष व्यवहार, किसके अप्रोक्ष व्यवहार, आपका, किसी और का नहीं, तब अप्रोक्ष व्यवहार योग्यत्व से वेद्यम न भवति, क्यों, ज्ञानत्व दृष्टांत का मध्य ज्ञानवत, मेरे अपने ज्ञान के सम्मान, ऐसे अपने ज्ञान को दृष्टांत बनाएंगे। अभी आदि को आप तव है ना साध्य में, तव है साध्य में, वो मध्य में रहेगा क्या, साध्य का भाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तन्वय व्यक्ति कैसे बनेगी। यत्र यत्र ज्ञानत्वं तत्र तत्र तव अप्रोक्ष व्यवहार योग्यत्व सति वेद्यत्वं न भवति, यह स्थल मदीय ज्ञान में आना चाहिए, आएगा कैसे, कहते भाई विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव ले लो, क्योंकि यहां क्या आप कहना चाह रहे हैं, वेद्यम न भवति, न भवति ये वास्तविक साध्य है, अनधिकरणत्व, वेद्यत्व का अनधिकरणत्व है किसमें, मध्य ज्ञान में भी वेद्यत्व का अनधिकरणत्व है, कि मेरा ज्ञान मेरे लिए वेद्य नहीं है, क्योंकि मेरे ज्ञान के द्वारा मैं सबको जान रहा हूं तो सभी मेरे वेद्य हो जाते हैं, और मेरा ज्ञान मेरे लिए वेद्य नहीं, क्योंकि मेरा ज्ञान मेरे लिए स्वप्रकाश है। यदि उसको मैं अपने लिए ही वेद्य मानूं, किससे वेद्य मानूंगा, मेरे अपने ज्ञान को, मेरी अपने कोई दूसरी ज्ञान से, मेरी अपने कोई तीसरी ज्ञान से, फिर तो अनवस्था आ जाएगी। मेरा ऐसे कौन सा ज्ञान है जिसको किसी अन्य की अपेक्षा हुए बिना प्रकाशन हो जाए, सर कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा, तो पहले मेरे रुक जाइए, ये पहले बोल चुके हैं। अतः पहला ही जो ज्ञान मेरा अपने अंदर हो रहा है वह ज्ञान मेरे लिए स्वप्रकाश है। नहीं, वेद्यत्व लेने संवेद्य को सम उपसर्ग जोड़ने से बदल नहीं जाता, वेद्यत्व आ गया ना, स्व वेद्यत्व कहां से लाओगे,
वो वेद्य नहीं है, स्वप्रकाश है, इसलिए हम सबके प्रवाह स्वप्रकाश है, वो स्ववेद्य नहीं स्वप्रकाश है। वो जो प्रकाश होता है वो प्रकाशी नहीं, वेद्य को प्रकाशी को बात एक ही हो गई, स्ववेद्य को अथवा स्व से प्रकाशी कह दो, नहीं हम प्रकाशी या वेद्य नहीं कह रहे हो तो प्रकाश ही है, वेदक है सबका। इसे इनका कहना है कि देखिए अब कैसे बनेगा, फिर वेद्यत्व का अनधिकरणत्व तो है हमारे ज्ञान में, तो क्या करेंगे, इसलिए विशेषणाभाव, विशेषण कौन है, तव अप्रोक्ष व्यवहार योग्यत्व सती वेद्यत्व का विशेषण, तारस विशेषण का अभाव प्रति विशिष्ट अभाव, विशेषण का अभाव है कि तव जो चीज है तदीयत्व वो मदीय में नहीं आ सकता ना, धर्म जो त्वदीय वस्तु है वो मदीय नहीं है, तो मदीय वस्तु में त्वदीयत्व नहीं रहेगा, अच्छा तवा ये बात नहीं आया तो विशेषण अभाव प्रयुक्त हो जाएगा। जैसे साध्य को जब हम दृष्टांत में घटाएंगे विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव लेंगे, और जब पक्ष में घटाएंगे वहां तव तो रहेगा कि त्वज्ञान ले लिया हमने पक्ष, तो वहां हम क्या करें विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव लेना है, वहां विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव वहां लेंगे। इसलिए दोनों महाविद्या अनुमान में विशेषता यहां विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव को लेकर के दृष्टांत में और विशेषाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव को लेकर के पक्ष में घटाना पड़ता है। देखिए विस्तार समझाएंगे, नच मद असमय तत्व में उपाधि में जा रही, उससे पहले देखो टीका में देख लो अनुमान को समझ लें, क्योंकि अनुमान का पदकृति कर रहा है। देखिए पहले ये जो साध्य को पहले तोड़ेगा, टुकड़ा टुकड़ा करके समझाएगा, यदि आप इतना ही करिए क्या कि वेद्यत्वम न भवति, इतना ही मात्र साध्य करो, तद्ज्ञानम वेद्यम न भवति, मान वेद्यत्व का अनधिकरण है, इत्युक्ते अप्रसिद्ध विशेषणता अप्रसिद्ध विशेषता हो जाएगा, क्योंकि मत व्यवसाय ज्ञान वेद्य है ना, यह साध्य ही उनके ज्ञान में अप्रसिद्ध हो जाएगा। इसे कहते हैं अप्रसिद्ध विशेषण दोष आएगी, तन निवृत्त्यर्थम क्या विशेषण दिया, अप्रोक्ष बार योग्यत्व सति इत्युक्तम, अभी तव को हटा के बोल रहे तव नहीं दिया है, इतना ही करें अप्रोक्ष व्यवहार योग्यत्व सति वेद्यत्वम न भवति, माने वेद्यत्व के अनधिकरण हो जाना उसका, तो वही यहां पर कह रहे हैं कि वेद्यत्वम न भवति कहे, तो अप्रोक्ष व्यवहार योग्यत्व सति वेद्यत्वम न भवति ऐसे ही कहते हैं वेद्यत्व भावस्य अप्रसिद्धत्वे, किंतु उन न्यायिकादियों के मत वेद्यत्व का भाव प्रसिद्ध नहीं है, कि वेद्यत्व उनके मत में क्या है, केवल अन्वयी, केवल अन्वयी का अत्यंत भाव नहीं होता कहीं, अत्यंत भाव का अप्रतियोगी का नाम केवल अन्वयित्व, वेद्यत्व वाच्यत्व सब क्या उनके मत में केवल अन्वयी है, इसलिए वेद्यत्व का अत्यंत भाव कहां लाएंगे वो, इसके वेद्यत्व का अत्यंत अभाव अप्रसिद्ध हो जाता है, उनके अत्यंत अभाव से अप्रसिद्धत्व अपनी अप्रोक्ष वार योग्यत्व सती वेद्यत्व रहित प्रमाण अदृष्ट आदि प्रसिद्धत्व से वेद्यत्व भाव मात्र हिस्सा अप्रसिद्ध भले ही हो, यानी विशेषण से विशिष्ट करके लोग है तो बच जाएगा, अप्रोक्ष वार योग्यत्व सती वेद्यत्व भाव का अधिकरण मिल जाएगा, कहां परमाणु, परमाणु अप्रोक्ष विषय है क्या, अप्रोक्ष वार योग्य नहीं है, इसलिए अप्रोक्ष वार योग्यत्व केवल वेद्यत्व तो रहता है, परमाणु में वेद्यत्व है, अन्य प्रमाण की तरह वेद्य है, अनुमान की तरह वेद्य है, शब्द प्रमाण की तरह वेद्य है, वेद्यत्व तो रहता है लेकिन अप्रोक्ष वार योग्यत्व सती वेद्यत्व नाम का चीज परमाणु में भी नहीं है, क्यों, विशेषण अभाव है, विशेषण क्या है अप्रोक्ष वार, अप्रोक्ष वार परमाणु का नहीं होगा, अदृष्ट का नहीं, अदृष्ट तो अनुमान से जाना जाता है, उसे अप्रोक्षवारता नहीं है, इसे अप्रोक्षवार योग्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व नाम का चीज परमाणु में भी नहीं है अदृष्ट में भी नहीं है, भले ही केवल वेद्यत्व का अभाव नहीं मिलेगा आपको कहीं भी दुनिया में न्यायिकादियों के मत में, किंतु इधर विशिष्ट वेद्यत्व का अभाव मिल जाएगा, माने अप्रोक्षवार योग्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व है वो परमाणु में नहीं है और अदृष्टादि में नहीं है, वेद्यत्व अनधिकरणत्व, इसलिए वहां क्या हो जाएगा, हाँ सती
ವಿದ್ಯುತ್ರಹಿತಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವೇನ ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣತ ಇಸರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣತ ದೋಷ ನೀರಹ ಜಾಯಗ ಏನು ಫಿರ್ಬಿ ಗಡಬಡೋಗ ತಾವತ್ತಿ ಉಕ್ತೆ ಅರ್ಥಾಂತರತ ಬಸ್ ಉತ್ತರ ಈ ಕಹೆ ತುಂಬಿ ಅರ್ಥಾಂತರದ ದೋಷ ಹೋಗ ಅರ್ಥಾಂತರದ ಮನೆ ಆರ್ಸಿದ ಕರ್ಣೆ ಕುಚ್ಚಲೆ ಆರ್ಸಿದ ಕುಚ್ಚ ಅವ್ರ ಹೋಗಾನ ಆಪ್ ಜಿಸೆ ಸಿದ್ಧ ಕರ್ನೆ ಚಲ್ ರೇ ಓ ಸಿದ್ಧ ಹೋಯ ನೀ ಹೋ ತೋ ಛೋಡಿದೀಯ ಚಿಂತಾ ಅಪನೇ ಉಸ್ಕಿ ಔರ್ ಕೋಯ್ ದೂಸರಾ ಚೀಜ ಸಿದ್ಧ ಕರ ದಿಯೇ ಉಸ್ಕೋ ಕಹತೆ ಅರ್ಥಾಂತರತ ಅರ್ಥಾಂತರದ ದೋಷಕ್ಕೆ ವಾ ಲಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ನಹೀ ಹೈ ಕೋನೆ ನಿಗ್ರಸ್ತಾನ ಹೈ ನಾ 22 ನಿಗ್ರಹೋ ಮೇ ಸೆ ಇಕ್ಕಾ ನಾಮ ಅರ್ಥಾಂತರತ ಉನ್ಹೋನೆ ಉಸ್ಕಾ ಲಕ್ಷಣ ಯೇ ಕಿಯಾ ಪ್ರಕೃತ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಕಥನ ಪ್ರಕೃತ ಜೋ ಹೈ ಜೋ ಚೀಜ ಸಿದ್ಧ ಕರ್ನೆ ಚಲೇ ಹೋ ಉಸ್ಮೇ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಥನ ನಹೀ ಹೈ अरे उसको सिद्ध करने योग्य बात आप नहीं कर कुछ और इसको सिद्ध करने वाली बात कह रहे हैं आप। यह भी शास्त्र में परास्त होने का एक कारण बनता है। आपने अप्रोक्षवार योग्य सिद्धि वेद्यतम न भवति कह करके परमाणु अदृष्ट आदियों में एतार स्वप्रकाशत्व सिद्ध कर दिए और वह ज्ञानत्वित्व नहीं इसलिए विचार हो गया। परमाणु में अदृष्ट में है क्या ज्ञानत्वित्व मनी ये साध्य है वहां हेतु नहीं है। साध्य और दधिकरण में आवृत्ति विचार हो गया इसलिए कथन क्या करने चले थे आप कहां चले गए इसे अर्थांतर तो दोष आ जाएगा दोष दूर कर क्या करना पड़ा विशेषण दो तब तब विशेषण दिया वही कह रहे अर्थांतर का दोष आ रहा है उसके निवारण करने के लिए तावत युक्त अर्थांतरता तदीय ज्ञान से परम प्रति उक्त रूपत्वात् क्योंकि उसका जो ज्ञान है दूसरे के प्रति कैसा है अप्रोक्षवार हो गए होते हुए वेद्यत्व का अभाव वाला है। ये जो मेरा ज्ञान है वो आपके लिए वेद्य कभी नहीं हो सकता ना। आपका ज्ञान भले आपके लिए वेद्य हो जाए नैयायिकों के अनुसार अव्यवसाय ज्ञान को अव्यवसाय ज्ञान से वैद्य बना लिए हैं किसी ने किसी ज्ञान को वैद्य मान लिया उसने लेकिन उनके हिसाब से हर व्यक्ति का अपना ज्ञान उसके वैद्य भले हो जाए लेकिन एक दूसरे का ज्ञान दूसरे के लिए कभी वैद्य नहीं होता है ना। इसे कहते हैं कि वो जो पक्ष है आपका तत्ज्ञान उस त्वदीय ज्ञान में ये लक्षण कौन सा आपने जो बताया अप्रोचवार वेद्यतम न भवती इतना ही मात्र रखोगे तो वह अर्थांतरता आ जाएगी उस ज्ञान में नहीं रहेगा वो वही कर वेद्यत्व तदीय ज्ञान से परम प्रति उक्त रूपत्व क्योंकि उसका जो ज्ञान है पर के प्रति माने अन्य के प्रति आपका का वह साध्य स्वरूप वाला हो जाएगा। तदर्थम अब अर्थांतर दोष को दूर करने के लिए ही हमें क्या कहना पड़ा तवैत आपका अपने भी अप्रोचवार योग्य होते हुए वेद्य का अधिकरण न होना ये कहो ऐसे कर प्रतांतर दोष नहीं रहा अब हमारे तत्व ज्ञान में सही आपसे जाएगा वो लक्षण एवं अपि परकीय ज्ञानम आदाय अर्थांतरता तस्य हितम प्रति तथात्वाद अत उत्तम त्वदिति अब पक्ष का विशेषण के विचार करते पक्ष में त्वद क्यों दिया केवल ज्ञानम रखते वहां तब क्या होता तो कहते परकीय ज्ञान को लेकर के अर्थांतर कि केवल ज्ञान पक्ष में आएगा तो सभी का ज्ञान आ जाएगा उस समय पक्ष में ये ज्ञान विशेष को लेकर के अनुमान आपने बनाए थे पहले और उसे तत्क्षण विशेषण छोड़ देते पक्ष में ज्ञानम मात्र पक्ष को रखा तो ज्ञान में कैसे क्या होगा तो ये ज्ञान मध्य ज्ञान परकीय ज्ञान सभी का ज्ञान आ जाएगा उसमें पक्ष कोटि में जब सभी का ज्ञान हो जाएगा परकीय ज्ञान को उसके अंतर्गत एक हिस्सा है ना पक्ष के अंदर एक हिस्सा परकीय ज्ञान है ना मेरा ना आपका कोई तीसरे थर्ड पार्टी उसका ज्ञान है उसके ज्ञान पूरा का पूरा हित घट जाएगा ही नहीं ना साध्य जाएगा सा हेतु तो जाएगा साध्य तो जाएगा नहीं तो व्यर्थ कैसे घटेगा फिर अर्थांतर तो फिर आ गया आप जिस पक्ष में जो चिंतित करना चाह रहे हैं उस पक्ष में जा ही नहीं रहा इसलिए वह विशेषण दो हमें सारी दुनिया का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं मेरे को अपने ज्ञान से करना है त्वज्ञानम विशेषण कर तब अर्थांतर दोष निवृत्त हो जाता है। वही करें कि परके ज्ञानम आदि अर्थांतरता तस्य एतम प्रति तथात्वाद अत उत्तम त्वदिति
तस्य मने परकीय ज्ञानस्य एतम प्रति मने त्वाम प्रत्यपि तथा तत् मने ज्ञानत्वाद हेतु सम्मतत्वात् ये कह दिया त्वदिति से विशेषण दे दिया। अब आगे एतदिश्च ज्ञानस्य एतम प्रति अप्रोक्ष वार योग्यत्व सति विद्यत्व अनुकरणत्वम अप्रोक्ष वार योग्यत्व अनुकरणत्वद्वा विद्यत्व अनुकरणत्वद्वा न आद्य इत्यादि। अब यहाँ विकल्प उठाते हैं, वे आपने कहा तब अप्रोक्ष वार योग्यत्व सति विद्यत्व न भवति तद्ज्ञान में वाक्यार्थ होगा उसका, विद्यत्व अनुकरणांश का क्या अर्थ होगा? अप्रोक्ष वार योग्यत्व सति विद्यत्व अनुकरणम ये आपने जो कहा है वही पूरे दे रहा है। एतदीयस्य च ज्ञानस्य तव तत्ज्ञानस्य एतम प्रति अप्रोक्ष वार में तव प्रति अप्रोक्ष वार योग्यत्व सति विद्युत अधिकरणत्तम ये जो आपने पक्ष और साध्य कहा है इसका अर्थ क्या है? थोड़ा हमें साध्य को और स्पष्ट कीजिए। विकल्प उठाते हैं साध्यांश को, क्या है विकल्प? पहले एक एक अंश का प्रतिकृति हो गया ना, पहले एक एक अंश का प्रतिकृति है, अब पूरे को लेकर के पूरे साध्य का अर्थ को लेकर के विकल्प उठा रहे हैं। अप्रोक्ष व्यवहार योग्यत्व अनधिकरणत्वात् अथवा वेद्यत्व अनधिकरणत्वाद्वा पहले वाला लोगे नाद्य क्यों व्याघातात् व्याघात दोष हो जाए। योग्यत्व का अनधिकरण मान रहे हो, वेद्यत्व का अनधिकरण मान रहे हो, मने किसको विशेषण विशेष भाव बनना है, एक तरह से बात है। यदि आप वेद्यत्व को अनधिकरण के साथ जोड़ोगे तो वह जो वेद्यत्व अनधिकरण और वेद्यत्व का विशेषण एक पूरा बनेगा अप्रोक्ष व्यवहार योग्यत्व। अप्रोक्ष वार योग्यत्व विद्यत्व का विशेषण है और वेद्यत्व न अधिकरण न भवति जो अनधिकरणत्व है उसका विशेषण बन जाएगा। अथवा अप्रोक्ष वार योग्यत्व अनधिकरण कह दो तो वेद्यत्व चला पीछे है, तब वेद्यत्व सती अप्रोक्ष वार योग्यत्व अनधिकरण तम बन जाएगा। एक तरह तब क्या व्याघात दोष हो गया, वेद्य भी मान रहे हो और अप्रोक्ष वार योग्यता का अनधिकरण भी मान रहे हो। जैसे घट है वो वेद्य है तो अप्रोक्ष योग्य है ना, वो योग्यता का अधिकरण है, उसमें अनधिकरण कहाँ हुआ? एक आप उस घट को वेद्य भी कहो और अप्रोक्ष योग्य नहीं भी कहो ये तो बात बनेगी नहीं, तो वर्ष विरुद्ध बात हो गया। इसीलिए कहने का अभिप्राय साध्य को हम तीन भाग में ले रहे हैं और विशेषण विशेष को उल्टा सीधा रख करके प्रश्न पूछ रहे हैं। अप्रोक्ष योग्यत्व पहला अंश, दूसरा वेद्यत्व और तीसरा न भवति का अर्थ अनधिकरणत्व। तीन भाग, अनधिकरण तो मुख्य विशेष वैसा ही रहेगा वो, अब यहां उल्टा सीधा करना है। अप्रोक्ष वार योग्यत्व को पहला जोड़ दो अनधिकरण के साथ तो वेद्यत्व अलग हो गया, वो पूर्व चला जाएगा विशेषण हो गया, मैंने वेद्यत्व सती अप्रोक्ष वार योग्यत्व अनधिकरणम ये पूरा साध्य बन जाएगा। यदि ऐसा कहोगे तो व्याकरण दोष होगा कि वेद्य भी है वो और अप्रोक्ष वार के योग्य नहीं है वो, अनधिकरण है वो, दोनों ही बात विरुद्ध हो जाएगी। इसलिए ऐसा उल्टा नहीं करना, जैसा कहा गया वैसा ही लो, माने अप्रोक्ष वार योग्यत्व सति वेद्यत्वम, विशेषण कौन हो गया अप्रोक्ष वार योग्यत्व, वेद्यत्व हो गया विशेष्य, उसका अनधिकरणत्वम कह दो, क्योंकि जो अप्रोक्ष वार योग्य होगा वह जरूर वेद्य होगा। ये पूर्वपक्ष कहना चाहते हैं ना, जो जो अप्रोक्ष वार योग्य है वह सब वेद्य है। हम कहते नहीं नहीं, क्यों अप्रोक्ष वार योग्य तो आत्मा भी है, आत्म साक्षात्कार होता है तो आप हम ब्रह्मा से बोलते हो, लेकिन यह वेद्य तो नहीं है। इसे उसके विपरीत हम श्रद्धा, अप्रोक्ष वार योग्य होते हुए वेद्यत्व का अधिकरण नहीं है ज्ञान आपका, चाहे मेरा ज्ञान चाहे आपका ज्ञान हो, ऐसे कहने पर कोई दोष नहीं आया। ये कह रहा है नाद्य व्याघाता उत्तरं तो सिद्ध्यत अप्रोक्ष वार योग्यत्वे सति अवेद्यत्व लक्षणां स्वप्रकाशत्वं मादे सिद्धयति स्वप्रकाशत्व सिद्धिः। और उत्तर पक्ष में तो हमारे स्वप्रकाशत्व सिद्धि हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जो है सिद्ध्यत उत्तर पक्ष को सिद्ध करने के लिए चेष्टा करोगे अब हमारे स्वप्रकाशत्व सिद्ध हो जाएगा। कैसे है ना, सिद्ध्यत में सिद्ध करते हुए उत्तर पक्ष को लेकर सिद्ध करने चलो तो अप्रोक्ष वार योग्यत्व सति अवेद्यत्व रूपा जो लक्षण है वो स्वप्रकाशित हमारा लक्षण हो गया, उसको लेकर आप सिद्ध कर रहे हो तो सिद्ध शांत दोष आ जाएगा आप पे, बल्कि हमारे मत सिद्ध हो गया, हमारा अनुमान ठीक हो गया, वह कोई दोष नहीं है। द्वितीय पक्ष लेंगे तो सिद्ध दी थी स्वप्रकाशित
ಅನ್ಯ ಜ್ಞಾನೇ ಚೈತದ ಅಪ್ರೋಕ್ಷವಾರ ಯೋಗ್ಯತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವಾತ್ ತದ್ ಗರ್ಭ ವೇದ್ಯತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವಂ ಇತಿ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ನೀನು ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಕೈಸೆ ಕರೋಗೆ ಅನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮೇ ಏತಾರ್ಶ ಬಾರ ಯೋಗ್ಯತ್ವ ಕಾನಧಿಕರಣತ್ವ ರಹತಾ ಹೇ. ತೀಸರ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗ ಕ್ಯಾ ತದ್ಜ್ಞಾನ ಅವ್ರ ಮದಿ ಜ್ಞಾನ ಛೋಡ್ದು ಪರಿಕಿ ಜ್ಞಾನ ಲೇ ಲೋ ಉಸ್ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಅಪ್ರೋಕ್ಷ ವಾರ ಯೋಗ್ಯತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಅವ್ರ ಆಪ್ಕೆ ಲಿ ವೇದ್ಯತ್ವ ಭೀ ನಹೀ ಹೇ ಉಸ್ಕೆ ಲಿ ವೇದ್ಯ ಭಲೇ ಯೋ ಆಪ್ಕೆ ಲಿ ನಹೀ ಹೇ ನಾ ಅದೇ ಏತಾರ್ಶ ವೇದ್ಯತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಪಹಲೇ ಉನ್ಮೇ ಸೆ ಕರ್ದೋ ಪರಿಕಿ ಜ್ಞಾನ ಮೇ ತಾರಸ ವೇದ್ಯತ್ವ ಅವೇದ್ಯತ್ವ ಹಮಾರ ಅಧಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮೇ ಆಗ ಇಸ್ ತರ್ಸೆ ಹಮೇ ಸಿದ್ಧ ಕರ್ನಾ ಪಡೆ ಅನ್ಯದೀಯ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಉಕ್ತ ಸಾಧನವತ್ ಸಾಧ್ಯವತ್ವೇ ಅನ್ಯದೀಯ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಉಕ್ತ ಸಾಧ್ಯವಾಲ ಹೋ ಜಾಯ ತೋ ಕಾಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹನಿ ಅನ್ಯದಿ ಜ್ಞಾನ ಸನೀತ ಅನ್ಯ ಜ್ಞಾನೇ ಚ ಏತದ ಅಪ್ರೋಕ್ಷ ವಾರ ಯೋಗ್ಯತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ತತ್ ಗರ್ಭ ವೇದ್ಯತ್ ತಾರ ವಿಶೇಷಣ ಸಿಗುತ್ತೋಣೆ ವೇದ್ಯತ್ವ ತರ್ಗ ವೇದ್ಯತ್ವ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ತಾರಸವೇದಿಕ ಅನಧಿಕರಣತ್ವ ಹಮಾರೆ ಯಹಾ ಆತ್ಮ ಆಕರ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಮೇ ಆಕೆ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೋ ಜಾಯಿ. ಅನ್ಯದಿ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಉಕ್ತ ಸಾಧ್ಯವತ್ವೇ ಮದ ಅಸಮೇತತ್ವ ಮದ ಅನಿಸಮೇತತ್ವ ಉತ್ಪಾದಿತಿ ಆಶಂಕ್ಯ ನಿರಸತಿ ತವ ಕಹತಾ ಇಸ್ ತರ ಸೇ ಆಪ್ ಘಟಾನಾ ಚಾಹತೆ ಹೋ ಅನ್ಯತ್ರ ಸಾಧ್ಯಕೋ ಲೇಕರ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕರ್ನಾ ಚಾಹ ರೇ ಹೋ ಐಸೆ ಕರೋಗೆ ತೋ ವಹಾಂ ಉಪಾಧಿ ದೇ ದೇಂಗೆ. ಉಪಾಧಿ ಕ್ಯಾ ದೇ ರಹೇ ಹೈ ಕಹತೆ ಹೈ ದೋ ಉಪಾಧಿ ದೇ ರಹಾ ಹೈ ಏಕ್ ತೋ ಹೋ ಗ್ಯಾ ಮದ ಅಸಮೇತತ್ವ ಔರ್ ದೂಸರಾ ಮದ ಅನ್ಯ ಸಮೇತತ್ವ. ಏಕ್ ತೋ ಮುಜ್ಮೇ ಸಮಯ ಸಂಬಂಧ ನಹೀ ಹೈ ಜೋ ತುಮಾರಾ ಜ್ಞಾನ ಮುಜ್ಮೇ ನಹೀ ಹೈ ಇಸೆ ಮದ ಅಸಂವೇತತ್ವ ಏಕ್ ದೇ ದಿಯಾ ಔರ್ ದೂಸರಾ ಮದ ಅನ್ಯ ಸಂವೇತತ್ವ ಮುಜ್ಸೆ ಅನ್ಯ ಜೋ ಹೋಗಾ ಉಸ್ಮೇ ಉಸ್ಕಾ ಜ್ಞಾನ ಜಿಸ್ಮೇ ತುಮ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಿಯಾ ಉಸಿ ಜ್ಞಾನ ಉಸ್ಮೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋಗಾ ನಾ ಸಮೇತ ಹೋಗಾ ಸೊ ಮುಜ್ಮೇ ಉಸ್ಕಾ ಜ್ಞಾನ ಸಂವೇತ ನಹೀ ಹೈ ಜಾ ತುಮ್ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕರ ರೇ ಹೋ ಔರ್ ಜಹಾ ತುಮ್ನೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಿಯಾ ಸಾಧ್ಯ ಕೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಿಯಾ ವಾ ಉಸ್ಕಾ ಜ್ಞಾನ ಉಸ್ಮೇ ಜೋ ಕಿ ಮುಜ್ಸೆ ವೋ ಭಿನ್ನೆ ಉಸೇ ಸಂವೇತ ಹೈ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮದ್ ಜ್ಞಾನ ಅದ ನಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಐಸೆ ಬನ್ ಗಿ ಆಪ್ಗೆ ಕಿ ಅಪ್ನೇ ಜ್ಞಾನ ಮೇ ಭಿ ಮನೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮೇ ಭಿ ಆಪ್ಕಾ ಹೇತು ಸೋಪಾಧಿಕ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ಮದ್ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಉಸೇ ಸಾಧ್ಯ ಆನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಲೇಕಿನ್ ಆಪ್ ಸಾಧ್ಯ ಕೋ ಮದ್ ಜ್ಞಾನ ಮೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾ ಕರ್ತೇ ಹುವೇ ಅನ್ಯದಿ ಜ್ಞಾನ ಮೇಲೆ ಗರ ಅನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಿಯಾ ಮನೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮೇ ಅಮನೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ನೀ ಕಿಯಾ ಫಿರ್ ಅಮರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಹಾಂ ಹೋಗಾ ಫಿರ್ ಯದಿ ಆಪ್ ಅನ್ಯತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಮೇ ಅನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮೇ ಸಾಧ್ಯ ಕೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕರೋಗೆ ಇಸ್ ಉಪಾಧಿಕೆ ಕಾರಣಸೆ ಮದ್ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮೇ ಯಾ ಹೇತು ಸೋಪಾಧಿ ಗ್ರಸ್ತ ಹೋಗರ್ಕೆ ಖಂಡನ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ಏ ಕಾರಿ ಕೈಸೆ ಯೋ ಘಟಾಂಗಿದೇಕೆ ನಚ ಮದ ಅಸಂವೇತತ್ವ ಮದ ಅನಿಸಂವೇತತ್ವ ಬ ಉಪಾಧಿ ಮೂಲಮೆ ಇಸೆ ಮದ ಅಸಂವೇತತ್ವ ಮದ್ ಅನ್ಯಸಂವೇತತ್ವ ಉಪಾಧಿ ಅಪನಿ ಬನಾ ಸಕ್ತೆ ಕ್ಯೋ ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತೆ ಹೇ ಯೇ ಜೋ ಉಪಾಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಉಪಾಧಿ ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾ ಬತಾಯತೆ ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಸತಿ ಸಾಧನ ಅವ್ಯಾಪಕ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಲೇಕಿನ್ ಆಪ್ಕಾ ಯೋ ಉಪಾಧಿ ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯಾಪಕ ನೀ ಬನ್ ರಹಾ ಹೈ ಸಾಧ್ಯ ಅವ್ಯಾಪ್ತೆ ಹೇ ಕೈಸೆ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೈ ಜೀ ಕಿ ತ್ವದೀಯ ಧರ್ಮಾದಿಷು ತತ್ ಸಂವೇತೇಶು ಅಸಂವೇತೇಶು ಪ್ರಮಾಣಶು ಉಕ್ತ ಸಾಧ್ಯ ಸದ್ಭಾವೇಪಿ ಉಪಾಧಿರ ಭಾವಾತ್ ಕಿ ತ್ವದೀಯ ಧರ್ಮಾದಿಯೋ ಮೇ ಔರ್ ತತ್ ಸಂವೇತ್ ತತ್ ಸಂವೇತೇಶು ತ್ವದೀಯ ಧರ್ಮಾದಿಷು ಔರ್ ತದ್ ಅಸಂವೇತೇಶು ಪರಮಾಣುಷು ಆಪ್ಗೆ ಆತ್ಮೇ ಸಮಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ಯಾ ರಹತಾ ಹೈ ಧರ್ಮಾದಿ ಹೈ ಔರ್ ಆಪ್ಗೆ ಆತ್ಮೇ ಸಮಯ ಜೊ ನಹಿ ರಹತಾ ವೇ ಕೌನ್ ಹೈ ಪರಮಾಣುವಾದಿ ಆಪ್ಗೆ ಆತ್ಮೇ ನಹಿ ಹೈ ಸಮಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಸ್ ಅಸಂವೇತೇಶು ಪರಮಾಣುಷು ಚ ಕ್ಯಾ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ವಹಾಂ ಪರಮಾಣುಷು ಉಕ್ತ ಸಾಧ್ಯ ಸದ್ಭಾವಿ ಅಪಿ ಉಕ್ತ ಸಾಧ್ಯ ತೋ ವಹಾಂ ಹೈ ತವ ಅಪ್ರೋಕ್ಷ ವಾರ ಯೋಗ್ಯತ್ವ ಸತಿ ವೇದ್ಯತ್ವ ಅಭಾವಾಧಿಕರಣತ್ವ ಪರಮಾಣು ಮೇ ಅಪ್ರೋಕ್ಷ ವಾರ ಯೋಗ್ಯ ಹೋತೇವೆ ವೇದ್ಯತ್ವ ಅಧಿಕರಣ ನೀ ಹೋ ಸಕ್ತೆ ಪರಮಾಣು ಕಭಿ ಇಸ ವೇದ್ಯತ್ವ ಅನಧಿಕರಣ ಸಾಧ್ಯ ತೋ ಗಯಾ ಲೇಕಿನ್ ವಹಾ ಬತಾವ ಮತ್ ಸಂವೇತತ್ವ ಕ್ಯಾ ಉಪಾಧಿ ಜೋ ತುಮ್ ದೇ ರೇ ಹೋ ಮತ್ ಸಂವೇತತ್ವ ನೀ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯ ಸಂವೇತತ್ವ ನೀ ಕಿಸಿ ಭೀ ಆತ್ಮ ಮೇ ಜೋ ಪರಮಾಣು ತೋ ರಹತಾ ನೀ ಇಸಿ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧಿನ ಸಮವಾಯಿ ಜೊ ಹೋತಾ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ತೋ ಸಮಯ ತಪ್ ಜಾಯೇಗಾ ದೋನೋ ಮೇ ಜಾತಾ ಹೈ ಸಂವೇತ ಶಬ್ದ ಐಸಾ ಶೇ ಜೋ
संवेद कौन है? आप यदि पूछेंगे गुण द्रव्य में संवेद है और द्रव्य गुण में संवेद है, कि दोनों के बीच समय संबंध है, कैसे संवेद तो घटेगा? अरे द्रव्य में गुण रह रहा है, द्रव्य में गुण रह रहा है समवाय संबंध से। अब उसमें क्या कहेंगे, वह द्रव्य क्या है? समवाय संबंध दृष्टिया आश्रय माने अनुयोगी, और उसमें रहने वाला आश्रित कौन है? गुण हो गया प्रतियोगी। इसलिए द्रव्य में रहेगी अनुयोगिता, गुण में रहेगी प्रतियोगिता। तो अब गुण को लाइए द्रव्य में, गुण को लाइए द्रव्य में, ठीक है ना, समवाय संबंध से, और इसमें रहेगी अनुयोगिता, इसमें रहेगी प्रतियोगिता, ठीक है ना, इसमें रहेगी प्रतियोगिता। हमें क्या कहना, गुणनिष्ठ जो प्रतियोगिता से निरूपित समवाय संबंध अवच्छिन्न अनियोगिता रहेगी का द्रव्य में। एक विशेष संबंध परिकल्पना आपने किया गुण को द्रव्य में लाने के लिए। गुण सीधे हम लोग कहते हैं गुण समवाय संबंध द्रव्य में है, ना ऐसा नहीं हो सकता है, कि ये भी स्वतंत्र पदार्थ है, ये भी स्वतंत्र पदार्थ है, ये भी स्वतंत्र पदार्थ है। ऐसा कौन सा धर्म है जो इन पदार्थों को जोड़ रहा है? यह अनियोगिता प्रतियोगिता धर्म है। इसे जब इसको इसमें लाऊंगा कहूंगा गुण निष्ठ प्रतियोगिता से निरूपित समवाय संबंध से अवच्छिन्न कौन है? अनियोगिता, अनियोगिता वत्वम आ जाता है द्रव्य में। समझ में? इस प्रकार से गुण एक विशेष परंपरा संबंध परिकल्पित संबंध से द्रव्य में आके बैठा, और उल्टा यही है द्रव्य निष्ठ अनियोगिता निरूपित समवाय संबंध अवच्छिन्न प्रयुक्त प्रतियोगिता वत्वम इसमें आएगा। जब यहां से चलेंगे इधर निष्ठ बोलना पड़ेगा और इधर जो है निरूपित कहना पड़ेगा और यहां अवच्छिन्न कहना पड़ेगा। द्रव्य निष्ठ अनियोगिता से निरूपित समवाय संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता वत्व आ जाता है गुण में। इस तरह से द्रव्य गुण में बैठा, तो गुण को द्रव्य में बिठा सकते हैं, द्रव्य को गुण में बिठा सकते हैं, जिन दोनों बीच समवाय संबंध वो बैठ सकते हैं। इसको हम कहते हैं गुण संवेद है द्रव्य और द्रव्य संवेद है गुण। तद्वत आत्मा और परमाणु के बीच में नहीं हो सकता। आत्मा या ज्ञान ले लो जो बोल रहे ज्ञान रूपी गुण और परमाणु रूपी द्रव्य, ज्ञान गुण है ये द्रव्य है, लेकिन इन दोनों की समवाय संबंध से ज्ञान परमाणु में जाके नहीं बैठता। इसलिए मद ज्ञान है तो मद ज्ञान से संवेद परमाणु नहीं है। अच्छा मद संवेद तत्व परमाणु में नहीं जाएगा, और तो मद अन्य संवेद ये भी नहीं जाएगा वहां पर। मद अन्य से मद अन्य ज्ञान, यहां मद ज्ञान है, मद अन्य ज्ञान समेत भी नहीं जाएगा। जैसे मद ज्ञान समेत नहीं हुआ, मद अन्य ज्ञान समेत भी नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान कभी परमाणु में समवाय संबंध से नहीं रहता। अच्छा समय तो उसमें नहीं जा सकता। अच्छा वह साध्य तो है परमाणु में, लेकिन तुम्हारा उपाधि नहीं है। अच्छा साध्य व्यापकता उपाधि में न होने से यह हमारे अनुमान के प्रति उपाधि नहीं हो सकता।